हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और अगर आपको भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद है तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है शिमला मिर्च और प्याज। तो सबसे पहले मैं आपको प्याज कट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें कट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे 4 पीसेज में कट कर देंगे। 4 पीसेज में कट कर देने के बाद अब इसके हम पीसेज निकालेंगे, एक ही करके हम इसके पीसेज निकालेंगे। और ऐसे ही हमें बहुत सारे निकालने, मतलब आपको जितनी भी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना आप निकाल के रख लो। तो ये देखिए, अब इसी तरीके से मैंने सारे प्याज के ये पीसेस निकाल के रख लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें शिमला मिर्च को किस तरीके से कट करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अब इसे स्क्वायर शेप में कट कर दिया है। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैंने बाकी सारे शिमला मिर्च भी काट लिए हैं। और शिमला मिर्च और प्याज के साथ जाएगा एक और चीज़, वह है आलू। तो आलू को भी मैंने यहाँ पे लंबे शेप में काटा हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ काट के तैयार कर ली हैं। और अब मैंने यहाँ पे लिया है दही को। दही को सबसे पहले आप क्या करना कि अच्छी तरीके से फेंट लेना। और दही फेंटने के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो यहाँ पे मैं 1.5 स्पून धनिया पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। धनिया पाउडर डालने से होता यह है कि दही के फटने के चांसेस बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं। फिर आप इसे किसी भी रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अब हमने यहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो अब चलिए कढ़ाई की ओर चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तेल को हाई फ्लेम पे हीट करने के बाद अब हमने इसमें डालेंगे आलू। तो आलू को अच्छी तरीके से आप तेल में मिक्स कर देना। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। तो एक बार हम इसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अभी आलू फ्राई होना स्टार्ट ही हुआ है। तो लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको और ये बढ़िया तरीके से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब ये आलू फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो उसी तेल में अब हम डालेंगे ये शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च और प्याज दोनों एक साथ यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी। तो इसे हमें पूरा 100% नहीं पकाना है, बस आपको इतना पकाना है कि प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस इतना ही हमें वेट करना होगा। तो हम इसे हाई फ्लेम पे और ढक के पकाएंगे। तो करीब मैंने इसे 5 से 6 मिनट पकाया है और ये ट्रांसलूसेंट फॉर्म तक आ चुका है। तो इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो अब उसी कढ़ाई में डालना थोड़ा सा और तेल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और सौंफ, और इसके बाद हम डालेंगे मेथी के दाने। तो मेथी दाना डालने के बाद आप ज़्यादा वेट मत करना, फटाफट इसमें डाल देना प्याज। यहाँ पे मैंने लिया है 2 प्याज और इसे मैंने फाइन चॉप किया हुआ। तो इसे एक बार हम अच्छी तरीके से स्टर कर देंगे और इसे ट्रांसलूसेंट फॉर्म तक हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज ट्रांसलूसेंट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। अभी डालने से होगा ये कि एक तो इसकी कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा, और दूसरा ये कि प्याज के साथ साथ मसाले भी भूनते रहेंगे। तो सबसे पहले जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची। तो आपको तीखा जितना पसंद है आप उसी हिसाब से डालना। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें डाल लेंगे कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े टमाटर का यूज़ किया हुआ है। तो अब इन मसालों को हमें अच्छी तरीके से भूनना है। तो एक बार मैं इसे स्टर कर लेती हूँ। और हाँ, इसे तब तक भूनना है जब तक कि मसाले से तेल ना छूटना स्टार्ट कर दे। मैं जब भी आपके साथ सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ तो हमेशा बताती हूँ कि मसाले भुनना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी और भी सब्ज़ी की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालने के बाद एक बार फिर से हम इसे अच्छी तरीके से स्टर कर देंगे। और हाँ, इसे तब तक भूनना जब तक कि मसाले से तेल ना छोड़ना स्टार्ट कर दें। तो आप चाहें तो इसे थोड़ी देर ढक के भी पका सकते हैं या फिर खुले में भी पका सकते हैं। वाह, ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना शानदार निखर गया है। और हाँ, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, वरना मैं कैसे समझूंगी। तो जब भी आपको सूखी सब्ज़ी बनानी हो तो उसमें बेसन का यूज़ ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि सब्ज़ी का स्वाद और भी दुगुना हो जाता है। बिल्कुल वैसा स्वाद होगा जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं। तो जब बेसन इन मसालों में अच्छी तरीके से भून के तैयार हो जाए तब हम डालेंगे दही, वही दही जो हमने शुरुआत में तैयार किया था धनिया और दही मिला के। तो वो दही हम इसमें अब डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने अब दही डाल दिया है, और दही डालने के बाद भी हमें इसे थोड़ी देर तक भूनना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया और यहाँ पे तेल छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। जब मसाले अच्छी तरीके से भून जाए तभी पानी डालना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है लगभग 1 ग्लास के अप्रोक्स, और इसे अच्छी तरीके से हम मिला देंगे। तो इस ग्रेवी में बस एक बार अच्छी तरीके से उबाल आ जाए तो फिर हम बाकी सारी चीज़ें भी इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ग्रेवी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये फ्राई किए आलू। तो इसे एक बार मैं स्टर कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च और प्याज।
तो ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। और अगर आपको याद हो तो हमने शिमला मिर्च और प्याज को ज़्यादा नहीं पकाया था, तो बाकी बची हुई कुकिंग अभी हमें पूरा करनी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 6 से 7 मिनट आप इसे ढक के पकाना और फिर ये तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये तैयार हो चुके हैं, सो यम्मी एंड डिलीशियस। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। तो लास्टली हम इसमें डालेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी। तो इसे 2 मिनट कुक करने के बाद फिर आप गैस की फ्लेम ऑफ कर देना। तो ये लीजिए आपकी तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।